हेलो दोस्तों, इंडियाज़ बुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम आनंद। आज हम लेकर आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एजीपी पब्लिकेशन की राजनीति विज्ञान की बुक्स, जो आपके लिए, आपने अगर इस एग्ज़ाम्स का फॉर्म फिल किया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही इस बुक के प्राइस के बारे में बात किया जाए तो इस बुक का प्राइस 450 रुपये रहने वाला है। और भी डिस्काउंट के लिए आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारी वेबसाइट www वेबसाइट के माध्यम से ये बुक्स खरीद सकते हैं। साथ ही अन्य और भी एजीपी पब्लिकेशन की और भी अन्य कौन कौन सी बुक्स आती है, तो यूजीसी नेट के लिए इनकी 10 बुक्स आती है। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर की 10 बुक्स आती हैं, जिसमें से यूजीसी नेट की शॉर्ट पेपर, सेकेंड प्रश्न पत्र, भूगोल की इनकी आती है, इतिहास की आती है, हिंदी की, संस्कृत, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और राजनीति विज्ञान, इन सब्जेक्टों के लिए इनकी बुक्स आती है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर में सामान्य ज्ञान, इतिहास, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिंदी, गृह विज्ञान, संस्कृत, भूगोल और अर्थशास्त्र, इन सब्जेक्टों के लिए भी इनकी बुक्स आती हैं। अब बात किया जाए इस बुक के बारे में, तो राजनीति विज्ञान की ये बुक्स जो आपके अन्य प्रदेशों के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, अन्य राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम्स निकलते हैं, उन एग्ज़ाम्सों के लिए भी ये बुक्स इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर लास्ट में बताइएगा कि ये बुक्स आपने खरीदी है या नहीं खरीदी। अगर खरीदी है तो ये कितनी बेहतर आपको और कितना आपको इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में रहती है। अब बात की विषय सूची के बारे में, तो इन्होंने आपको विषय सूची में आपको शॉर्ट पेपर और प्रैक्टिस बुक, आपको इसमें प्रैक्टिस सेट बुक दिया हुआ है, जिसमें से आपको 2022 में जो आपको पेपर हुआ था राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता, इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2021 छत्तीसगढ़ लोक सेवा के, 2020 हरियाणा लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर, 2020 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, 2018 राजस्थान लोक सेवा आयोग, 2021 राजस्थान लोक सेवा आयोग, 2021 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2019 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2015 राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता आपका 2019 और राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता 2014, इसी तरह राजस्थान लोक सेवा आयोग 2016, राजस्थान लोक सेवा आयोग आपका 2016, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2016 और राजस्थान लोक सेवा आयोग 2018। इस तरह से आप, इन्होंने 2018 और से जो पेपर हुए हैं आपके 2022 तक जो आपके राजनीति विज्ञान के, वो सारे आपको सॉल्यूशन इसमें सॉल्यूशन मिलेंगे। साथ ही इन्होंने 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए हुए हैं, जिससे कि आप शॉर्ट पेपर के बाद, इनको कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि ये बुक, हम बुक्स और हमारी जो तैयारी है वो किस रूप में बेहतर हो पाई है। तो शुरुआत करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 में का जो फॉर्म निकला हुआ था, जो 2022 में जो फॉर्म एग्ज़ाम्स कराया गया था, उसका इन्होंने किस तरह से एक्सप्लेनेशन किया हुआ। जैसे सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन काव्य पाठ में कौन भेद, कोई भेद नहीं है, जर्मी बेंथम के इस कथन का आशय है। इस तरह से इन्होंने आपके क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। आप इसका ऑब्जेक्टिव में भी जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप देख पा रहे होंगे कि सुख का मापन केवल मात्रा में होना चाहिए, प्लीजर शुड बी मेजर्ड इन अ क्वांटिटी अलोन, या सुख का मापन गुण के साथ मात्रा में भी किया जाता है, किया जा सकता है, प्लीजर में बी मेजर्ड इन अ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, गुण समस्त वास्तुओं का मापक है, क्वांटिटी इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन थे जिसमें से आपका ए आंसर सही है। प्रश्नगत कथन के माध्यम से हमने बेंथम का मानना है कि सुख का मापन केवल मात्रा में होना चाहिए। इंग्लैंड के महान दार्शनिक बेंथम अपने जीवन काल में वैचारिक और मसीहा बन गया था। अपने उपयोगिता संबंधी विचारों के कारण, कानून अन्य क्षेत्रों में सुधार संबंधी की गई थी। और इसी तरह से डॉयल के शब्दों में, अब जैसे इन्होंने और भी जो हुए हैं उनका भी पूरा इन्होंने एक्सप्लेनेशन करके दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे सभी, इस जैसे कि अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया, तो इन्होंने ये इस सभी को भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन अच्छे से करके दिया हुआ। इस तरह से ये बुक्स आपको एक्सप्लेनेशन, आपका इसमें क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, एक्सप्लेनेशन आपका हिंदी में रहेगा, इस तरह से ये बुक्स रहने वाली। अब बात किया जाए, इन्होंने लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, जो 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुआ है, तो इसमें टोटल ऑफ टोटल आपको ये 15 प्रैक्टिस सेट, जिसमें से प्रैक्टिस सेट 1 दिया गया है, इसमें से इन्होंने हर क्वेश्चंस को आपको यहाँ दिया है। बस इन्होंने ये थोड़ा सा गलती की है कि ये जो नीचे से
आपको प्रैक्टिस सेट के लिए ये आंसर शीट दी है वो उसको लास्ट में शो अप कर देते तो बेटर रहता है स्टूडेंट के लिए कि वहाँ से लास्ट में है। इन्होंने हाल ही के हाल में दिया जिससे कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बढ़िया है। प्रैक्टिस एक सॉल्व पेपर के साथ प्रैक्टिस सेट बुक भी दिया, प्रैक्टिस सेट पेपर भी दिए, वो भी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। तो ये इस तरह से इन्होंने प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर का कॉम्बिनेशन करके ये बुक्स बनाई हुई है। ये इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, लास्ट में नोट्स के लिए एक पेपर दिया हुआ है और 15 प्रैक्टिस सेट है। हर प्रैक्टिस सेट में आपके 70 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, हर प्रैक्टिस सेट में 70 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और सभी सभी पेजेस के नीचे आपको आंसर की प्रैक्टिस सेट की मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये बुक्स रहने वाली थी, इसका बुक का रिव्यू था। और ये बुक आपको रिव्यू कैसा लगता है सेशन, आपको और किस अन्य एग्जाम्सों के लिए भी बुक का रिव्यू चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप हमारे कमेंट्स को करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आप हमें व्हाट्सअप या वेबसाइट के माध्यम से खरीद सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।